Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and assalamu alaikum to all. I am Nadir Ali Khan and I am doing my Bachelor's of Business Administration from Institute of Southern Punjab, Multan. And I am working as a manager in SCDC Studio and the project head of the ESF Show. And I welcome you all on the fourth episode of ESF Show. Due to some technical issues, aaj ki jo hamari female co-host thi, wo hamare saath nahi hai. That is the reason I am hosting the show. Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing great. I am Umair Altaf. I am doing BS Electrical Engineering from Institute of Southern Punjab, Multan. And moreover, I am a member of Photography Society and this show is also powered by Photography Society. So, today our guests are very talented and they have not only skills but also their skills as a career choose and today they are a very famous photographer. And because of their quality work, आज वो मुल्तान में एक हाईली पेड फोटोग्राफर के नाम से जाने जाते हैं तो आज जो उनके बारे में एक स्पेशल फैक्ट है वो ये है कि वो खुद भी एक आईएसवी के स्टूडेंट रहे हैं और इसी प्लेटफॉर्म यानी ईएसएफ के प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया सो वी कैन से दिस पर्सन इज ए सक्सेस स्टोरी ऑफ ईएसएफ प्लेटफॉर्म सो विदाउट फर्दर आई डू आई वेलकम वार्मली वेलकम आवर टूडे एक्सपर्ट मिस्टर नबील निशा फोटोग्राफ यू मेक इट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद योर बिगिनिंग ऑफ विद योर फर्स्ट क्लिक So tell us about the successful journey of your life. कि आपने कैसे start किया आपकी journey start कैसे हुई हमारे साथ जरा अपना experience जो start पहला click लिया था उसके बाद आपकी journey start हुई तो कैसे ये सब हुआ और कैसे नबील निशात एक brand बन गया मुल्तान का start एक छोटे से 2008 में एक digital camera से मैंने start लिया था जो कि एक मेरे father I think something technical issue there. दर ने मुझे लेके दिया था कि एक छोटा कैमरा और उससे एक छोटे से डिजिटल कैमरे से एक स्टार्ट लिया था और उस टाइम मुझे एक आइडिया नहीं था कि मैं इस फील्ड को प्रोफेशनली अडॉप्ट करूंगा तो जस्ट मैं एक जस्ट पिक्चर क्लिक करता था एक नॉर्मल फैमिली में जैसे एक आजकल होती है जैसे मोबाइल से हम लोग क्लिक करते हैं बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं ग्रेजुएशन के लिए आईएसपी में आया तो उसी ड्यूरेशन में मैंने अपना एक डीएसएलआर परचेज किया और एक बहुत बड़ी जिद के बाद और मतलब एक ग्रेजुएशन में 2013 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी और मैं आईएसपी आया था तो उस टाइम डीएसएलआर एक बहुत नयाब चीज थी जो कि मुल्तान में मतलब एक बहुत रेयर थी किसी के पास तो घर वालों को कन्विंस किया गया कि मतलब आप मुझे कैमरा लेके दें देन मैं प्रूव करूंगा कि मतलब मेरे पास स्किल्स हैं तो उसके बाद घर वालों ने मेरी कहीं ना कहीं बात मान ली और मुझे कैमरा ले दिया और बस एक कैमरे की एक इन्वेस्टमेंट थी और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में था तो स्टडी के साथ साथ मैं अपने इन स्किल्स को भी थोड़ा पॉलिश करता रहता था जहां मुझे कोई बॉय नजर आता था जहां मुझे कोई मूवमेंट नजर आती थी कोई नेचुरल चीज कुछ भी ऐसा इवेंट या कुछ ऐसी चीज नजर आती थी तो मैं इसको क्लिक करता था तो और चलते चलते इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं पिक्चर वो किसी को दिखाता था तो एप्रिसिएशन मिलती थी मुझे लाइक मैंने आपका क्लिक किया तो एप्रिशिएट किया उस पिक्चर के लिए कि मतलब अच्छी लगी पिक्चर तो जब वो जो एक कमेंट आपने मुझे पास आउट किया कि मतलब बहुत अच्छी पिक्चर है तो वो जो एप्रिसिएशन है ना वो आपको मोटिवेट करती है नेक्स्ट पिक्चर के लिए और वही वही आपको मोटिवेट बार बार करती रहती है वो चीज और एक उसी कैमरे से को मैं लेके आगे चलता गया इसी ड्यूरेशन में मैंने आईएसपी में मतलब एग्जीक्यूटिव फॉर्म मतलब ईएसएफ को भी ज्वाइन किया और उसमें मतलब ईएसएफ ने मुझे बहुत प्लेटफॉर्म ये दिया कि मतलब जो जो कि मेरी स्टार्टिंग थी वो ये था कि मतलब छोटे छोटे इवेंट जो भी आईएसपी में होते थे लाइक एक वेलकम पार्टी से लेके एक ओरिएंटेशन या कुछ भी कोई इवेंट अगर होता था तो वो उसपे मैं फोटोग्राफी करने के लिए वो मुझे अलाउ करते थे तो जब वो मुझे अलाउ करते थे तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता था
तो उस प्लेटफॉर्म पे मैं एटलीस्ट अपने आप को पॉलिश भी कर सकता था और मैक्सिमम मूवमेंट्स को कैप्चर भी कर सकता था, जिसमें से एटलीस्ट 10 पिक्चर्स में से भी 2-3 पिक्चर्स ऐसी आती थी जो कि बहुत अच्छी होती थी, तो उस पे एप्रिसिएशन मिलती थी और वो लाइक पेज पे लगती थी या लोगों के डीपीस पे लगती थी, फेसबुक पे लगती थी। तो वो जो जब आप अपना नाम देखते हो ना जगह जगह की मेरी बनाई हुई पिक्चर यहाँ अपलोड हुई हुई है, ऐसे हुई हुई है, तो देन आपको मतलब एक मोटिवेशन आती है कि मतलब नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छी बनाऊंगा। तो ये चीज आपको बार बार मोटिवेट भी करती है और अप्रिशिएट भी करती है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मतलब मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया और मुझे अलाउ किया, जो कि मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता कि मतलब उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब जिस स्टेज पे हैं हम, पूरे मुल्तान में हमारा सबसे बड़ा स्टूडियो है तो और हमारी सबसे बड़ी टीम है वेडिंग्स कवर करने की, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा बड़ा सेटअप है। सही, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान जैसी सिटी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में और सिटी लाइक मुल्तान में फोटोग्राफर को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनको कौन से चैलेंजेस होते हैं जिनकी वजह से वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं, या आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आपने स्टार्ट किया, तो इसके बारे में जरा हमें और अदर माइडोरिस को जरा बताएं जरा। सबसे सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि मैंने बात की, मुझे अभी ESF का एक प्लेटफॉर्म मिला था जब मेरे टाइम में, जब मेरा मतलब 2013 में जब मैंने स्टार्ट लिया था फोटोग्राफी का, तो उस टाइम मतलब मुझे तो ESF का एक प्लेटफॉर्म मिला था, यूनिवर्सिटी का एक प्लेटफॉर्म मिला था, उसके बाद मैंने वो उसको यूटिलाइज करके देन वेडिंग में एंटर हुआ था। तो हमारे पास सबसे बड़ी डिफिकल्टी फोटोग्राफर को होती है कि उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसे ऐसी इंगेजमेंट नहीं मिलती जो कि उसे जहां वो अपनी स्किल्स को निखार सके, जहां वो अपनी स्किल्स प्रूव कर सके। तो दूसरी चीज, इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है हमारे फोटोग्राफी का, मतलब जो कैमरास बहुत कॉस्टली है, लेंसेज बहुत कॉस्टली है, मतलब हर लेंस की एक कैटेगरी है। तो अच्छी से अच्छी पिक्चर के लिए आपको अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट चाहिए होता है, तो वो इक्विपमेंट एक नॉर्मल पर्सन नहीं परचेज कर सकता। तो उस एक नॉर्मल बायर के लिए, एक नॉर्मल बिगिनर फोटोग्राफर के लिए वो इक्विपमेंट परचेज करना एक डिफिकल्ट टास्क है, जो कि मेरे लिए भी था। तो उस टास्क को मैंने अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक मतलब चीजों को इकट्ठा किया, तो उसके बाद क्वालिटी और इम्प्रूव होती गई। तो एक बिगिनर लेवल के फोटोग्राफर को सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी आती है वो उसका इक्विपमेंट है, वो अपना इक्विपमेंट बना ही नहीं पाता जो कि वो आगे आ सके। तो इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है, इक्विपमेंट के बाद आपके प्लेटफॉर्म होना, कि आपको एटलीस्ट जब वो इक्विपमेंट आ भी गया तो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां आप पिक्चराइजेशन करें प्रॉपरली, उसे प्रॉपर उसे एक्सप्लेन कर सकें कि भाई मैंने ये पिक्चर्स बनाई हैं। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट तो यही है हमारे उसमें। उसके बाद मैं समझता हूँ कि लाइक पिक्चर्स को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे इंगेजमेंट, मींस के मैंने आपकी पिक्चर बनाई है तो एक बॉय तो इजीली अलाउ कर देता है अपनी पिक्चर को कि मेरी पिक्चर पब्लिश कर दी जाए, बट अगर एक लड़की की पिक्चर अगर बनाई गई है तो उसको पब्लिश करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो उसको उसकी परमिशन लेना, तो ये जो एक पैराग्राफ है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो मुझे तो शुरू में यही डिफिकल्टीज आई थी और बाकी और इसी तरह का एक कमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी डिफिकल्टी तो यही फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, और जैसे मैं इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि जैसे आपने बात की ESF की, कि आपके पास ESF का प्लेटफॉर्म था और आपने ESF यानी हमारे पाकिस्तान के पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो ESF जो है बेसिकली जो है वो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द लर्निंग प्रोसेस, जिस तरह वो सिखाते हैं और जिस तरह वो काम करते हैं, ESF इज डूइंग देयर अमेजिंग जॉब। अच्छा जो है आप नबील हमें ये बताएं कि आपका पहला पेड इवेंट कौन सा था और आपका उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? पहला पेड इवेंट मैंने बेसिकली वेडिंग की थी, तो ESF ने मुझे प्लेटफॉर्म जरूर दिया बट मैं उधर प्रैक्टिस करता था अपनी फोटोग्राफी की, मतलब प्रैक्टिस मींस के मैं इवेंट भी कर लेता था और मैंने अपने आप को जो पॉलिश किया, मैंने अपने आप को जो निखारा वो मैंने ESF में निखारा, बट जो मेरा पेड इवेंट था, मेरा शुरू से शौक जो था ना, जो मेरा एम था वो बेसिकली वेडिंग्स था और स्टिल वेडिंग ही है, मतलब मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ बेसिकली। तो वेडिंग पेड इवेंट था मेरा पहला, और पहला पेड इवेंट मतलब उस टाइम मेरा स्टूडियो नहीं था, तो उस टाइम मतलब कोई स्टूडियो नहीं था, कोई टीम नहीं थी,
जस्ट मैं सिंगल पर्सन था और सिंगल पर्सन ही था और एक कैमरा था जस्ट मेरा। और पहला पेड इवेंट मुझे करने के लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी ये आई कि मतलब मुझे पहला पेड इवेंट देने के लिए कोई राजी ही नहीं था कि मतलब इसको मैं पेड इवेंट कैसे दिया जाए, बिकॉज इसके पास कोई स्टूडियो नहीं है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस वो वैसे नहीं है कोई वेडिंग्स का, तो पेड इवेंट पहला लेना बहुत मुश्किल था। बट पहला पेड इवेंट मैंने जो कन्विंस किया अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड था मेरा नुमान, तो उसकी सिस्टर का मैंने इवेंट किया जो कि डॉक्टर थी, तो और मतलब पहला इवेंट ही मेरा डॉक्टर फैमिली में गया, तो कि उसकी वजह से मेरी जो एक कह दें बुनियाद जो थी ना वो बहुत अच्छी रही। और मैंने पहला पेड इवेंट 2014 के जनवरी में किया था, तो और वो बहुत मतलब कम चार्जेस में किया था मैंने, मतलब उस टाइम के चार्जेस में और अब के चार्जेस में बहुत डिफरेंस है। तो उस टाइम मैंने सिर्फ इतने चार्जेस लिए थे कि सिर्फ मेरा एक्सपेंस पूरा हो जाए, और अनटिल अनलेस मेरा एक्सपेंस भी पूरा नहीं हुआ था तो मुझे अपनी पॉकेट मनी से इनफैक्ट कुछ पैसे डालने पड़े थे, बट मेरा एटलीस्ट मुझे कुछ पे हो रहा था, तो वो उस टाइम के लिए मेरे लिए वो बहुत था। तो और मुझे आज भी याद है कि मैंने मतलब उस इवेंट पे भी मैंने अपनी पॉकेट मनी से सेल परचेस किए थे और एक स्पीड लाइट परचेस की थी जो कि मतलब एक लाइट यूज होती है हमारे फोटोग्राफी में। तो पहला पेड इवेंट मतलब एक बहुत नॉर्मल सा पेड किया था मुझे। हाँ, जब पहला पेड इवेंट हो गया देन नेक्स्ट इवेंट जब मैंने अपना काम दिखा दिया तब नेक्स्ट इवेंट एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिला। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, इवेंट हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, यानी पहले अपने आप को मन मारना पड़ता है, थोड़ा कम में लेके अपना पोर्टफोलियो पहले क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आपको इवेंट्स मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे या मैं इस क्वेश्चन को आपके फर्स्ट क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा ज्वाइन करूंगा कि मतलब फोटोग्राफर को ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है कि मतलब एक बिगिनर स्पेशल एक बिगिनर लेवल के फोटोग्राफर को ये बहुत बड़ी मुश्किल आती है कि उसके पास पोर्टफोलियो नहीं होता, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब जो वो दिखा सके लोगों को कि मतलब मैंने ये बनाया है और मैं ऐसा काम करता हूँ। तो उसको लेने के लिए एटलीस्ट उसको सैंपल बनाना चाहिए, उसे चाहे एक स्ट्रीट ही क्यों या कोई भी चीज, लाइक वो एक स्ट्रीट में ही चलता रहे या कोई किसी भी जगह जाए अपनी कुछ पिक्चर्स बनाए और उससे अंदाजा हो जाता है कि मतलब उसकी फोटोग्राफी कैसी है। मतलब मैं जज कर लेता हूँ किसी भी फोटोग्राफर को कि अगर वो चाहे उसकी एक बिल्डिंग की पिक्चर ही बनी हुई हो या कि कोई एक फकीर का पोर्ट्रेट बना हुआ हो जो कि किसी भी सड़क पे आपको मिल जाएगा या कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसी पिक्चर मिल जाए तो जिससे एक अंदाजा किया जा सकता है कि उसकी पिक्चर कैसी है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं बिगिनर लेवल के फोटोग्राफर्स को यही कहूंगा कि एटलीस्ट वो अब जो भी उन्हें जहां भी कुछ मिलता है कैप्चर करने के लिए, यूनिवर्सिटी है तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां की इवेंट्स करे वो, वहां के स्पोर्ट्स करे कवर, और उनको कैप्चर करके अपने दी बेस्ट क्लिक्स जो है ना उसके, मतलब अगर 100 क्लिक्स किए हैं तो उसमें से एटलीस्ट 10-5 क्लिक्स उसके दी बेस्ट होंगे, उनको प्रिंट आउट करें, या अब तो ट्रेंड बहुत चेंज है, अब आप सोशल मीडिया पे पब्लिश करें और उधर मतलब पब्लिश करें ताकि लोग सारे देख सकें और आपके काम को वहीं से काम मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने, पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिगनर के लिए अपने इवेंट लेने के लिए, क्योंकि ये वाकई मैंने भी काफी फेस किया है क्योंकि मैं भी एज एक फोटोग्राफर हूँ और काम को स्टार्ट किया हुआ है और कर भी रहा हूँ, और पोर्टफोलियो भी अपना अभी मेरा पोर्टफोलियो ही बन रहा है तो मुझे भी सैक्रिफाइस करना पड़े, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ आपके साथ इसमें। तो अच्छा नबील, आप ये बताओ कि आप फोटोग्राफी को एज ए बिजनेस कैसे देखते हो, कि फोटोग्राफी एज बिजनेस बनाया जाए, क्योंकि आजकल मतलब जैसे हमारे मेंटेलिटी पे होता है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब सिर्फ जो लोगों की शादियां कवर करेगा, मतलब लोग भी बंदे खुद भी आता है कि वो लोग बुलाएंगे यार फोटोग्राफर इधर आना फोटोग्राफर, तो मतलब मुझे भी हेजिटेशन होती है इस बारे में, और यकीनन बात है कि दूसरे फोटोग्राफर लाइक जो बिगिनर्स हैं उनको भी होती होगी, तो आपने इसे ओवरकम कैसे किया था, इस बारे में बताएं कि आप फोटोग्राफी को एज ए बिजनेस और इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं और कैसे फेस किया और कैसे ओवरकम किया। फोटोग्राफी एज अ बिजनेस बहुत अच्छी एक फील्ड है, इसमें मैं मतलब वो नहीं कहूंगा कि मतलब ये वो नहीं है, देखो ये फोटोग्राफी इज अ आर्ट, तो मतलब हर आर्ट की एक वैल्यू होती है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू होगी। देखिए बिजनेस इसे बनाया जा सकता है
मुझे फेस हुआ था प्रॉब्लम वो सबसे बड़ा यही हुआ था कि लाइक लोगों को ना मतलब वेडिंग्स की मैं बात करूं तो लोगों को ना वो बहुत चाहिए होती है मतलब एक जिम्मेदारी और प्राइवेसी, तो आपको उस इन दोनों पैरामीटर्स को करने के लिए एक स्टूडियो रिक्वायर होता है, लाइक एक स्टूडियो होना बहुत जरूरी है। तो मैंने मतलब अपने 10 टू 15 इवेंट्स के बाद ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे स्टूडियो बनाना चाहिए, तो मैंने उस स्टूडियो के स्टेप को लिया। तो स्टूडियो के स्टेप से ये फायदा होता है कि लाइक क्लाइंट्स को और लोगों को हर सबको ये एतमाद हो जाता है कि लाइक ये प्रोफेशनल है और ये हमारी प्राइवेसी भी रखेगा पिक्चर्स की, और सबसे बड़ा जो हमारे काम में एक चीज है प्राइवेसी। तो जब स्टूडियो होता है तो क्लाइंट का एक एतमाद ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है कि वो अपने अपने उस पर प्राइवेसी भी रखेगा आपके काम की, और सेकेंडली आपका वो कहीं भाग के नहीं जाएगा, मतलब आपके पैसे लेके कहीं भाग नहीं जाएगा, कहीं पैसे आपके खा नहीं जाएगा, या आपके पैसे किसी गलत जगह पे नहीं लग रहे हैं। देन इफ यू हैव अ स्टूडियो देन क्लाइंट आप पे रिलाय करते हैं, क्लाइंट्स आप पे एक वो करते हैं। तो फोटोग्राफी को अगर आपने एज अ बिजनेस लेना है तो स्टूडियो बनाना बहुत जरूरी है, मतलब स्टूडियो के बगैर आप क्लाइंट का एतमाद नहीं ले सकते, ना ही आप क्लाइंट को सेटिस्फाई उस तरीके से कर सकते, चाहे आप जितनी मर्जी मतलब उसे कह दें कि मतलब मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, बट क्लाइंट का एतमाद आपके स्टूडियो से ही होता है कि लाइक स्टूडियो है तो मतलब ये रिलायबल है और ये मतलब हमारा डेटा सिक्योर रखेगा। इस एक प्रॉपर सेटअप है तो उस प्रॉपर सेटअप को अच्छा नबील, तो जैसे हम बात कर रहे थे फोटोग्राफी की, तो अब आप जैसे आपने बताया कि फोटोग्राफी एज अ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फोटोग्राफी एज अ बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है, लेकिन हम अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो फोटोग्राफी एज अ साइड बिजनेस रन करते हैं, एज अ साइड बिजनेस चला रहे होते हैं, तो हम लोग आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन वो किस तरह जो है वो लेके चले फोटोग्राफी को, एज अ प्रोफेशन क्या बेनिफिट्स हैं फोटोग्राफी के टू द पीपल? जो आपका क्वेश्चन अच्छा है नादिर, आप उसको ना फोटोग्राफी को एज अ बिजनेस मतलब इस तरह से अगर आपने लेके चलना है तो एटलीस्ट मतलब पहली बात तो ना वही बात मैं करूंगा कि काम अच्छा होना चाहिए, क्लाइंट का एतमाद होना चाहिए। अगर क्लाइंट का एतमाद है आपके पास और काम अच्छा कर रहे हैं आप, तो आप मतलब कुछ छोटा मोटा इवेंट भी पेड कर सकते हैं, तो मतलब क्लाइंट आपको पे करने के लिए राजी होगा कि पहली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम अच्छा होना चाहिए, उन्हें काम पसंद आएगा तो जाहिर सी बात है वो आपको पे भी करेगा। अच्छा सेकंड थिंग ये कि मतलब पार्ट टाइम कैसे लेके जा सकता है, मैंने 2013 2014 2015 2016 2017 एंड 2018 तक स्टडी विद फोटोग्राफी की, जो कि मेरे मोस्टली काफी जो कि मोस्टली मेरे काफी क्लाइंट्स को ये बात नहीं पता जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने मतलब 2013 से लेके 2018 तक फोटोग्राफी की विद, और मेरा स्टूडियो जो डेवलप हो गया था वो 2015 के एंड में मैंने स्टूडियो बना लिया था। तो मतलब मैं पार्ट टाइम ही कर रहा था, तो मैं दिन के टाइम आई इसलिए मैं पेपर दे रहा होता था और रात को मैं अपनी वेडिंग कर रहा होता था। तो ये काम बड़ा इजीली है, देखें वेडिंग्स जो है ना वो रात का काम होता है, किसी बहुत रेयर केसेस में शादियां ऐसी होती हैं जो कि डे में होती हैं, और अगर तो डे में है भी तो मोस्टली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से फ्री 12-1 बजे हो जाते हैं, तो डे की शादी भी हो तो वो तकरीबन 2 बजे शुरू होती है, बट डे वाला केस तो बहुत रेयर आता है। ज्यादातर शादियां शुरू होती हैं 7 o'clock से रात 11 बजे तक 12 बजे तक, तो आप एक स्टूडेंट जो है वो आराम से मतलब अपने सुबह स्टडी कंप्लीट करने के बाद शाम को अपना इवेंट कर सकता है और मतलब प्रॉपर पेड इवेंट कर सकता है। मैं अपनी छुट्टी को लेके चलाऊं और उसको फोटोग्राफी तो रात को आप इजीली मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट कि हमारी टीम में कई ऐसे मेंबर्स हैं जो कि स्टिल तकरीबन 8 to 9 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि स्टिल स्टडी भी कर रहे हैं और मतलब सुबह यूनिवर्सिटी होते हैं और या कॉलेज होते हैं और शाम को मेरे पास होते हैं। Good, that's good. अच्छा तो
ये इसमें हम जो जैसे आपने बात की, हमने ESF की बात की, हर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में ESF है और उसके उस प्लेटफॉर्म के नीचे फोटोग्राफर सोसाइटी जो है वो अपने काम कर रही है। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट काउंसिल होता है और उस काउंसिल के साथ एक फोटोग्राफी सोसाइटी अटैच होती है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या ऐसा एक मोटिवेशन लेसन देंगे या कोई मोटिवेशन कोई बात ऐसी करेंगे कि जिसकी वजह से आप उन्हें सजेस्ट करें कि वो फोटोग्राफर सोसाइटी ज्वाइन करें? क्योंकि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं या जो होते हैं जिनको आता है फोटोग्राफी आती है, वो ही आके सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। कोई लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता कि मुझे फोटोग्राफी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी फोटोग्राफी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मुझे जाके ज्वाइन करना चाहिए और सीखनी चाहिए फोटोग्राफी फ्रॉम द फोटोग्राफर्स। लेकिन जो है बच्चे जो है वो नहीं आते, वो सिर्फ आते हैं कि जी हम लोग जो है दूसरी सोसाइटीज ज्वाइन कर लेते हैं, फोटोग्राफी तो हमें आती ही नहीं तो हम क्यों करें। तो आप उस इस तरह क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि वो आए फोटोग्राफर सोसाइटी ज्वाइन करें और सीखें फोटोग्राफी? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि ना मोटिवेशन और एप्रिसिएशन, आप मैं यही कहूंगा कि एप्रिसिएशन से ना, मतलब मेरे अंदर एप्रिशिएट मुझे किया गया था, तो वो जो मेरा मेरे अंदर का जज्बा जो था ना, जो मेरे अंदर की क्रिएटिविटी थी, उसे और पॉलिश होती गई। वो मतलब मेन चीज ये था कि एप्रिसिएशन, आज भी इनफैक्ट इस स्टेज पे आके भी, आज भी जब क्लाइंट एप्रिशिएट करते हैं ना आपको कि आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है, तो तब मतलब ये होता है कि हमें हमारा मेरा दिल करता है कि मतलब और अच्छे से अच्छा काम करें, और अच्छे से अच्छा काम करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि उन्हें वो एटलीस्ट, जैसे आपको पिक्चर नहीं आती बनानी, आप कुछ ना कुछ बनाएं, आप ट्राई करें बनाने बिल्कुल की। और आपकी चाहे आप ISB में है या और कोई स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी में भी है, तो उधर की जो कोई सोसाइटी बनी हुई है फोटोग्राफी की या कोई उसका प्लेटफॉर्म है, तो उसे यूटिलाइज करें। तो उसे अगर वो यूटिलाइज करेगा तो एटलीस्ट वो अपनी यूनिवर्सिटी में तो पॉलिश होगा। 1,000, 2,000, 5,000 पिक्चर्स भी बनाएगा, ऑल तो वो मोबाइल से बनाए, उसमें से दो पिक्चर्स तो ऐसी होंगी जो अपीलिंग होंगी, जो किसी को बहुत अच्छी लगेंगी, ट्राइड रहेगी। सर, बिल्कुल एटलीस्ट आप ट्राई ट्राई करते तो जाओ, करनी चाहिए। मतलब आप बिल्कुल एक जगह आपको ऐसी आएगी कि आपका काम पसंद आएगा, और आपको जब एप्रिसिएशन मिलेगी तो आप कहोगे कि यार मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं। और मतलब यही कहूंगा कि आप अपने जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी को लाजमी लेके चले, मतलब कि वो अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लें। उधर मतलब गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं उधर, मतलब उनको बिल्कुल कैप्चर किया बिल्कुल जाए। तो उनको जब कैप्चर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसी नेचुरल मोमेंट, कैंडिड मोमेंट ऐसी निकलेगी कि जिसका आपका दिल करेगा कि मतलब बहुत मजे की होगी वो। तो मतलब बिल्कुल इस चीज को आप ट्राई करें, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। उमर आई गेस उमर इज हैविंग सम टेक्निकल इश्यूज। अच्छा, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अच्छा, आप आजकल की मॉडर्न फोटोग्राफी को कैसे देखते हैं? बिल्कुल आजकल सही जो बात। हमारी मॉडर्न फोटोग्राफी है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ओके, मॉडर्न फोटोग्राफी को आप किससे रिलेट कर रहे हैं? मींस के मतलब बिल्कुल जो आजकल फोटोग्राफी हो रही है उसको वेडिंग से रिलेट कर रहे हैं या किस चीज से? सर आप बोल रहे आजकल जो वेडिंग्स में हो रही है और ओवरऑल जो 3D फोटोग्राफर्स हैं, 3D फोटोग्राफिंग हो रही है, तो उसके बारे में हमें बताएं। नादिर, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो आजकल की फोटोग्राफी हो रही है ना, वो आज से 10 साल की पहले की फोटोग्राफी से वो बहुत चेंज है। मींस के विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बहुत बदल गई हैं, इक्विपमेंट्स बहुत बदल गया है, प्लस सबसे बड़ी बात क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत बदल गई है। क्लाइंट अब नीड करता है नेचुरल मोमेंट्स, कैंडिड मोमेंट्स। हर 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 पर्सन को चाहिए कि वो, मतलब हर क्लाइंट ये चाहता है, हर पर्सन ये चाहता है कि मतलब उसकी कि मैक्सिमम मोमेंट कैंडिड हो। जबकि पहले पहले पिक्चर्स जो बनती थी वो बड़ा स्ट्रेट 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 पिक्चर्स बनती थी, बड़ी इक्वल होके बड़ी नॉर्मल पिक्चर्स बनती थी। कोई उसमें कैंडिड शॉट्स होती थी तो मतलब क्लाइंट की तरफ से इशू आ जाता था कि मतलब ये क्या, आपने तो सीधा ही नहीं किया हमें और पिक्चर बना ली। बट आजकल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है कि मतलब कैंडिड शॉट्स ली जाए उनकी, मतलब। और दूसरी बात, मतलब ब्लरी शॉट्स हों, जो कि आजकल आप देखते होंगे फेसबुक वगैरह पे, मतलब पीछे से ब्लर होती है, मतलब हम उसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बूके। तो बिल्कुल बेसिकली ये होता है, ये मतलब प्राइम लेंसेज यूज होते हैं फोटोग्राफी में, जो कि स्पेशल फॉर बुके यूज होता है, जिसपे ऑब्जेक्ट पे प्रॉपरली फोकस किया जाता है और पीछे सारी डिटेल जो है वो
ब्लर हो जाती है। इस फोटोग्राफी ये मतलब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया, मतलब इसको बहुत इनहेंस किया गया आजकल, मतलब हर 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 पर्सन की ये डिमांड है और हर पर्सन ये चाहता है कि उसे ऐसी ही फोटोग्राफी मिले जिसमें मतलब ये वाला प्राइम लेंसेज यूज हो और मतलब इस तरह से यूज हो। और सेकेंडली थिंग के वीडियो में बहुत मतलब चेंजिंग आ गई है, मतलब पहले मूवी बनती थी HD कैमरे से जो कि शो बोल रही है वो टोटली DSLR से बन रही है, मिररलेस कैमरा से बन रही है, अब DSLR से भी ऊपर टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे मिररलेस कहते हैं, तो इन कैमरा से मूवी बन रही है जिसका बेस्ट बेनिफिट क्या है वो मैं आप सबको बताऊं, वो ये कि उसके फ्रेम पर सेकंड बहुत अच्छे हैं, मतलब उसके फ्रेम पर सेकंड बहुत अच्छे हैं। फ्रेम पर सेकंड क्या होता है? फ्रेम पर सेकंड होता है वीडियो में, मींस के जिसमें लाइक मैक्सिमम आप स्लो मोशन कर सकते हैं वीडियो, तो मतलब वीडियो की अगर एक मूवमेंट है ना, एक ब्राइट चल के आ रही है या वो रोल कर रही है तो वो मैक्सिमम स्लो मोशन में दिखाया जा सके, जबकि हमारे पुराने दौर के जो HD कैमरा था उनमें स्लो मोशन नहीं लगता था, वो एरर आ जाता था, हैंगिंग आ जाती थी, बट आजकल जो कैमराज हैं वो उनमें मैक्सिमम मूवमेंट्स स्लोली दिखाई जाती हैं और लोग उसी को लाइक करते हैं वीडियो में, और पिक्चर्स में भी इसी तरह कैंडिड मूवमेंट्स को लाइक करते हैं और बेयर लाइट यूज नहीं करते, मतलब हम लोग डायरेक्ट लाइट फेस पे नहीं मारते, जो कि लोग वो कभी भी फोटोग्राफी बेहतर नहीं होती है बेयर लाइट से, मतलब लाइट मोस्टली बाउंस की जाती है, मतलब बाउंस मीन्स के ऊपर छत पे मारी जाती है या कुछ इस तरह के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं जिसे सॉफ्ट बॉक्स कहते हैं, जिससे लाइट छन के आती है किस्म से, मतलब एक एक डिफ्यूज होके आती है लाइट, तो मतलब आजकल फोटोग्राफी में ये बहुत जरूरी है, मतलब जैसे पहले पिक्चर वो प्रोमिनेंट रहता था, बट आजकल जो पिक्चर बनती है उससे मतलब उसकी पूरी मेकअप की बहुत क्लियरेंस और हर चीज बहुत इनहेंस रहती है, वो मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं जाती, ओवर नहीं लगती, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि लाइक आप नेचुरल रखो पिक्चर को, द बेसिक थिंग इज अब जो टाइम है उस पे यही है कि आप मैक्सिमम पिक्चर को नेचुरल रखो, जितनी पिक्चर नेचुरल होगी उतनी ही अच्छी लगेगी, जितनी पिक्चर में गलत लाइट यूज हुई होगी या अजीब सी होगी वो अच्छी नहीं लगेगी, जितनी नेचुरल होगी उतनी अच्छी लगेगी। तो इसका यही मतलब है कि अब मॉडर्न फोटोग्राफी से अगर हम रिलेट करते हैं तो मतलब इट्स क्वाइट डाइवर्स और ये पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, अगर हम 10 साल पुरानी बात करते हैं। जी, नादिर बहुत चेंज हो गया, और हेलो डिफरेंस मींस के इक्विपमेंट में बहुत डिफरेंस, और मतलब पहले पहले फोटोग्राफी में ना पहले फोटोग्राफर इनफैक्ट फोटोग्राफी क्या फोटोग्राफर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, एक फोटोग्राफर जाता था और वो पूरा इवेंट कवर करके आ जाता था, क्योंकि वो एक बड़ी सिंपल सी फोटोग्राफी होती थी, बट आजकल जो फोटोग्राफी है उसमें 1% का तो काम ही नहीं है, मींस के हम लोग यूजुअली 5% जाते हैं एक इवेंट कैप्चर करने के लिए, एक वेडिंग का एक नॉर्मल इवेंट कैप्चर करने के लिए, ऑल्दो वो मेहंदी हो, बारात हो, या वलीमा हो, या निकाह हो, या एंगेजमेंट हो, तो उन 5% का अलहदा एक एक पर्पज है, मतलब उनकी अलहदा एक क्रिएटिविटी है, उन 5ों ने अलहदा लेंसेज लगाए हुए हैं, मींस के कोई दूर से शॉट ले रहा है कैंडिड, कोई वाइड एंगल जहाँ ग्रुप बन रहा है वहां पिक्चर ले रहा है, इसी तरह सेम थिंग वीडियो में है, उसमें मूविंग शॉट्स, एक बंदा मूविंग शॉट ले रहा है, ब्लरी शॉट ले रहा है, और एक बंदा सिंपल वीडियोग्राफी बना रहा है, तो मतलब उन 5% का अलहदा एक वो है, और इसी वजह से हमारी फोटोग्राफी पास्ट 10 ईयर्स की कंपेरेटिवली बहुत कॉस्टली हो गई है, अब चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, बिकॉज उसके दो रीजन है, एक तो क्वान्टिटी ऑफ पर्सन ज्यादा लगते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड थिंग इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है, इन दो रीजंस की वजह से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत कॉस्टली हो गई है, और इन्हीं वजह से मतलब हम लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, और मतलब और जबकि ये चीजें इनहेंस हुई हैं, लोगों को पता लगा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में मतलब ये भी इतनी अच्छी चीजें बन सकती हैं, तो लोग पे भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस टाइम भी मतलब स्टिल अक्टूबर चल रहा है, तो हमारे पास फैब की बुकिंग हो रही है, नेक्स्ट ईयर फैब की बुकिंग हो रही है, तो लोगों को अब इम्पोर्टेंस पता लग गई है कि मींस कि ये काम भी जरूरी है, और ये काम आपको पहले करवाना पड़ेगा, मतलब ये पहले की तरह नहीं होगा कि मतलब 2 दिन पहले जाके फोटोग्राफर बुक कर लिया, अब ऐसे नहीं होता, मतलब अब आपको फोटोग्राफी के लिए पहले आपको इंगेज करना होगा फोटोग्राफर को, उससे डेट्स प्रॉपरली मैनेज करनी होंगी डेट्स, इनफैक्ट कि मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मतलब डेट स्टिल मेरे से पूछ के रखी जाती है उनकी डेट, और डेट पूछ के रखी जाती है, डेट डिसाइड किया जाता है कि आपकी अवेलेबिलिटी है, जबकि अगर हम आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि फोटोग्राफर को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती थी, बट फोटोग्राफर की अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे इवेंट पे, उसको एलैबोरेट करना, बिकॉज जहाँ
उस दुल्हन के ड्रेस पे जितना पैसा लगा हुआ है, उसकी ज्वेलरी पे इतना पैसा लगा हुआ है, उसको एलैबोरेट करना, उसकी एक एक चीज नेचुरल करके दिखाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए क्लाइंट पे भी करता है और क्लाइंट रिक्वायर भी करता है, और अब टीम भी बढ़ गई है चीजें। तो इस चीज से ये पता लगता है कि फोटोग्राफी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट की परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्लाइंट से वो पे करते हैं अगर उन्हें अच्छा काम चाहिए, if you want something good, you have to pay, तो वो पे करते हैं। तो ये चीजें तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा जो है अहमियत के हामिल है कि जब हम ये तीन चीजें फोटोग्राफी के अंदर देखते हैं। अच्छा नबील, हमें ये बताएं कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो आजकल के बैचलर्स या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आप कह लें, तो क्या वो फोटोग्राफी को एज अ साइड बिजनेस रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, या उनके लिए कोई डिफिकल्टीज हो सकती हैं, या क्या उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा कोई एक प्रोसेस बताएं कि जो एज अ साइड बिजनेस वो अपनी स्टडीज के साथ साथ कंटिन्यू करें फोटोग्राफी को, ताकि उनके स्किल्स भी इनहांस हो, फोटोग्राफी भी अच्छी करें और अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू करें। नादिर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरे पास इनफैक्ट स्टिल मेरी टीम में मतलब मेरी अलहमदिल्ला 20+% की टीम है, तो जिसमें से 10% ऐसे हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं अभी भी। तो मतलब आप जो कि अभी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस चीज को आराम से लेके चल सकते हो। अगर तो आप, जैसे कि मैंने पहले रिपीट किया, वेडिंग को आप चूज कर रहे हो, वेडिंग होती ही रात को है, तो आप इजीली इसको लेके चल सकते हो। बट वेडिंग फोटोग्राफी इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी के शादी एक बार होती है, तो मतलब शादी का इवेंट जब वो एक किसी की मेमोरी को आप वो नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका डेटा मैनेज करना, उसकी क्वालिटी एक्यूरेट हो, उसकी कोई मूवमेंट मिस ना हो, ऑल्दो वो उसकी एंट्रेंस हो या कुछ भी हो, तो वेडिंग इज अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब तो उस फोटोग्राफी को लेके चलना, उसको लेके चलना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उसे आराम से लेके चल सकते हैं। अगर उसे वो पार्ट टाइम शाम को अपना दिन में स्टडी करें, दिन में यूनिवर्सिटी अटेंड करें, शाम को वो किसी फोटोग्राफर के साथ, किसी स्टूडियो के साथ अटैच हो गए, वो फोटोग्राफी को आगे कैरी ऑन करें, ऑल्दो वो मतलब मेरे पास आए या किसी और स्टूडियो के पास जाएं, मुल्तान में बहुत बेशुमार स्टूडियो है, तो किसी ऐसे स्टूडियो के पास जाएं जहां वो उन्हें जहां वो अपनी प्रैक्टिस को लेके चलें और अपने काम को लेके चलें, तो वो इजीली इस वेडिंग में एडजस्ट हो सकते हैं, अपने पार्ट टाइम इसको लेके चल सकते हैं। ऑल्दो वो इस वेडिंग ना करें, आप अपने यूनिवर्सिटीज के इवेंट कर लें, अपने किसी यूनिवर्सिटी के इवेंट से किसी और यूनिवर्सिटी का इवेंट कैच कर लें। मीन्स कि अगर वो ISP का स्टूडेंट है, तो वो किसी और यूनिवर्सिटी का इवेंट कैच कर ले, अपनी अपने ISP के पोर्टफोलियो को दिखा के, ISP में जो इवेंट उसने कैप्चर किए हुए हैं, उसको उस डेटे को दिखा के, जो उसका वो क्लियर डेटा है, उस डेटे को दिखा के किसी और यूनिवर्सिटी में के इवेंट को पेड प्रॉपरली उसे हाय वो कर ले। तो मतलब आराम से इसको विद स्टडी आराम से लेके जाया जा सकता है। इनफैक्ट मैंने अपने करियर का स्टार्ट सारा विद स्टडी किया था, और मैं स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के साथ साथ मैंने अपने प्रोफेशनली फील्ड को लेके चला हूँ। मतलब मेरी ये रूटीन थी, मैं आपको छोटी सी रूटीन शेयर करूँ कि मैं सुबह लाइक 7 बजे 7:30 बजे ISP के लिए मैं निकलता था, तो मैं तकरीबन 12:30 बजे तक फारिग हो जाता था। तो उसके बाद मैं मेरे स्टूडियो टाइमिंग जो थी वो मैं 2 बजे जाके मैं यूनिवर्सिटी से सीधा डायरेक्ट मैं स्टूडियो जाता था, तो स्टूडियो जाके मैं स्टूडियो ओपन करता था, और उस वक्त मैं अकेला था, और एक उस वक्त अकेला था मैं, और अकेला ही मैं स्टूडियो खोलता था, और स्टूडियो खोल के उसके बाद मैं 2 बजे से लेके टिल रात 10 बजे तक मैं स्टूडियो बैठता था। तो मतलब मैं साथ पढ़ाई भी करता था और साथ मैं स्टूडियो को भी रन करता था। तो इजीली आप लोग भी एक चीज कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हो और अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं इजीली। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ये एक डिटेल्ड मैसेज है फॉर आवर व्यूअर्स कि वो किस तरह अपनी स्टडीज के साथ साथ अपने जो है इस फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन लेके साथ चल सकते हैं। जैसे हमारे साथ नबील हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, अपनी सक्सेस स्टोरी बताई हमें कि वो किस तरह ISP के साथ अपनी स्टडीज के साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी साथ उन्होंने लेके चला और आज वो किस मकाम पे है, माशाल्लाह। जब मैं स्टूडेंट था ISP में, मतलब 2013 टू 2015 का सेशन है मेरा ISP में। जी जी, तो बिल्कुल 2 years मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री थी उस टाइम, तो मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट था उस टाइम,
और जो कि रिलेट भी नहीं करती फोटोग्राफी से, बट मतलब मैं बहुत ज्यादा लाइक अंग्रेजों का गोरों का काम देखता था, और मतलब वो उन लोगों का काम देखता था जो पाकिस्तान में दी बेस्ट हैं, तो उन लोगों के काम को फॉलो करता था। तो उनका काम फॉलो करते करते मतलब मैं देखता था कि मैंने भी ऐसा क्लिक लेना है, तो मैंने भी ये काम करना है, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। और मींस के मैं आपको यही कहूंगा कि प्लस इवेंट मैंने आईएसपी में किए थे, क्योंकि आज भी मेरे पास फोल्डर मौजूद है प्रॉपर उसका, मतलब मैंने छोटे छोटे इवेंट को अगर काउंट किया जाए तो मेरे पास 100 फोल्डर्स ऐसे बने हुए हैं जो कि मैंने आईएसपी में मतलब परफॉर्म किए थे। आज ही मेरे पास फोल्डर है जिसमें स्पोर्ट्स गाला, जिसमें ओरिएंटेशन, जिसमें वेलकम पार्टी, जिसमें मींस की कुछ भी मतलब कि वगेंजा हो गया आपका, कई चीजें, एक कॉन्सर्ट हो गया, मतलब बहुत सारे इवेंट्स, कोई क्लास एक दूसरी क्लास को फेयरवेल पार्टी दे रही है, तो मतलब ये इतने सारे इवेंट्स मैंने कैप्चर किए थे जो कि बहुत बहुत ज्यादा मेरी, मैं पॉलिश हो गया था जिससे, बहुत प्रैक्टिस हो गई थी, तो मतलब ये बहुत अच्छा रह जाता आपकी प्रैक्टिस के लिए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा नबील भाई, ये मुझे एक बात बताएं कि आपको कभी फेलियर का सामना हुआ है? आपने ये जो बिजनेस आपने इतना बड़ा नबील निषाद ब्रांड बनाया है, तो इसके पीछे एक पूरी जर्नी रही है, इतनी स्ट्रगल रही है, तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पे आप इस सक्सेस पे पहुंचे हैं, इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आपकी जर्नी में बहुत से फेलियर्स भी आपको फेस करने पड़े होंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या उनसे आपने क्या सीखा, और हमारी ऑडियंस को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उन्हें जरा गाइड करें कि आपने कौन से फेलियर्स फेस किए और उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता, उनसे कैसे बचा जा सकता है। सॉरी उमर, जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इतनी जर्नी रही है, इतनी सक्सेसफुल जर्नी रही है, आपको इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत से आपको अपनी जर्नी में फेलियर्स का सामना होगा, तो क्या फेलियर्स थे और उनसे आपने कैसे ओवरकम किया उनको, और जो अब जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनको वो गलतियां, कौन सी ऐसी गलतियां थी जो आपने की और आपको फेलियर हुए और इनको नहीं करने चाहिए, जिससे वो एक स्मूथ तो बिल्कुल नहीं रहती कोई भी जर्नी, लेकिन एक ये है कि आपके एक्सपीरियंस से वो दूसरे सीख सकते हैं, तो आप जरा शेयर करें। गुड क्वेश्चन। फेलियर बहुत से फेलियर होते हैं आपके ना, स्पेशली मैंने आपको बताया जैसे ना वेडिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेडिंग कवर करना, तो मतलब फेलियर मेरे, मैं ये देखता था कि लाइक मैं एक इवेंट कर रहा हूँ तो वेडिंग में मेरे से कोई ना कोई शुरू में चीज मिस हो जाती थी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि लाइक एक ग्रूम इंटर हो रहा है तो लेकिन वहां से ब्राइड इंटर हो गई, तो मैंने वो मोमेंट मिस कर दी अनकॉन्शियसली, मैंने मोमेंट मेरे से मिस हो गई, तो बाद में जब मैं डेटा क्लाइंट को देता था तो मतलब वो आपने आपने वो मोमेंट क्यों मिस की, तो मतलब आप मेरे ये, और क्लाइंट मेरे से मतलब इस बात पे बहुत डिबेट करता था कि मींस कि आपने वो मोमेंट क्यों नहीं ली, वो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, आपने ये क्यों नहीं किया, तो ये जो चीज थी ना ये आपको थोड़ा सा डिस्करेज भी करती है बहुत ज्यादा, और अक्सर लोग ना इससे मतलब वो हो जाते हैं कि, जबकि मतलब मैंने इस चीज को इस तरह से फेस किया कि मैं उन क्लाइंट्स की हर एक चीज को जो कंप्लेन होती थी ना उनको मैं नोट डाउन करता था, और नोट डाउन करने के बाद मेरी कोशिश सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो आपको उनकी कंप्लेंट्स, जितनी भी उनके इश्यूज हैं, जो भी कंप्लेन है उनको पूरा करना चाहिए, मींस के उनको रिमूव करना चाहिए हर चीज को, जो भी वो आपको कहें कि भाई आपने ये चीज है आप नेक्स्ट टाइम ये ना हो, तो आप कहें कि हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, तो सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपकी मतलब कोई चीज है आपसे मिस हो गई है या कुछ ऐसे, और अगर वो एडिटिंग से आ सकती है तो आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए री एडिट भी करनी पड़े कोई चीज 10 बार भी, तो आपको क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी चाहिए। क्लाइंट्स एक क्लाइंट सेटिस्फाई होगा तो वो 10 क्लाइंट देगा आपको, ये एक चैन है, मतलब इट्स अ बिजनेस। मैं ये कहूंगा कि मैंने अपने बिजनेस को जो बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो किया उसमें यही था कि मैं अपने हर क्लाइंट को बहुत सीरियस लेके चलता हूँ, मतलब मैं स्टिल मुझे अब तक अपने मतलब
1000 प्लस से भी ज्यादा वेडिंग्स मैंने कवर किया है, मुझे कभी याद भी नहीं कि मैंने मैंने कितनी ब्राइड्स का शूट किया है, बट मैं मतलब आज भी मेरे पास मेरे सामने कोई भी ब्राइड कोई भी कपल मेरे सामने जब आता है तो मैं उसे फौरन आराम से इजीली पहचान लेता हूँ। उसका रीजन क्या है कि मैं उनकी बात सुनता हूँ कि वो चाहते क्या है, काम कैसा, काम क्या करवाना चाहते हैं, और उसके बाद उनके इश्यू सुनता हूँ कि अगर तो उन्हें मेरे काम से कहीं इशू है तो मैं उसको रिजोल्व करता हूँ। तो रिजोल्व करना बहुत जरूरी है, अगर आप क्लाइंट को आप इंपोर्टेंस नहीं दोगे तो क्लाइंट आपके पास दोबारा कभी भी नहीं आएगा। तो मैं अपने काम को लेके इस बारे में बहुत सीरियस हूँ, इनफैक्ट मैं अपने टीम को, एडिटर्स को, अपने वीडियोग्राफर्स को, सबको मैं इस चीज के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मतलब क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जायज रिक्वायरमेंट, तो उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, किसी चीज का उसे इश्यू ना हो। तो बाकी यही है कि आप मुझे मतलब ये बहुत बड़ा शुरू में फेलियर था कि मींस के क्लाइंट के इशू आते थे तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होता। तो मैं आपको यही कहूंगा जो भी नया फोटोग्राफर बिगिनर लेवल पे जो कर रहा है काम, अगर उसे कोई कहता भी है कि यार ये सही नहीं बनी है, ये चीज कैप्चर सही नहीं हुई है, तो उसको अपने दिल पे ना ले बटके, बल्कि उसको लेके चले आगे, ये कोशिश करे कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो, नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो, नेक्स्ट टाइम उससे ये चीज ना गए, तो नेक्स्ट टाइम हर चीज को लेके चले। मतलब आप एक गलती करोगे ना तो अगली बार आपको याद रहेगी, अगर आप उस काम में सीरियस हो। तो मैं खैर यही कहूंगा कि यही फेलियर था मेरा, आपके क्लाइंट के एम्बैरेसमेंट मेरे से फील नहीं होती थी, तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लेन आती ही नहीं है, और रेयर केस में कोई कंप्लेन आती है तो उसको मैं खुद ऑन करता हूँ, मैं खुद उसको सीरियस नोट पे उसे हल करता हूँ हर चीज। सही, ऑलराइट सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। ऑलराइट सर, सर योर जर्नी लाइक आपने जैसे बताया है, जिस तरह आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग एक स्ट्रीमलाइन पे चली है। सर बेसिकली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, बट लाइक मैं अगर जिस तरह स्टूडियोज में अपने ESF डिपार्टमेंट में जिस तरह ESF में काम करती हूँ एज अ फोटोग्राफर, तो मुझसे काफ़ी सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ स्पेशली फीमेल्स, तो वो मुझसे पूछती हैं कि आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होती, तो उनके लिए मुझे जवाब देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लाइक मैं अभी क्योंकि मैं उस लाइन में नहीं आई, अभी मेरा एक स्टार्टअप है, एंड जस्ट मैंने आपसे यही पूछना है कि पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में और स्पेशली मुल्तान में, मुल्तान जैसी सिटी में फीमेल्स को एज अ फोटोग्राफर कैसा, मतलब क्या स्ट्रीमलाइन आप देना चाहते हैं कि वो क्या करें कि जिस तरह उनका करियर, उनका एज अ फोटोग्राफर उनका करियर फ्यूचर उनका बहुत अपग्रेड हो। मैं वेरी गुड क्वेश्चन, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमारी टीम में फीमेल्स हैं, पहली बात, और वो फीमेल्स तकरीबन 4 साल से काम कर रही हैं, 4-5 साल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, और फीमेल का रिस्पॉन्स, अच्छा जो आपका क्वेश्चन था कि आप उसको कैसे टैकल करें कि मतलब आप यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मेन चीज यही है कि आप मुल्तान सिटी में उन्हें प्रॉब्लम जरूर होती है, बिकॉज यहाँ फ्री है, उसको देखते हैं बहुत गौर से कर रही है, और लोग बातें भी करते हैं कि मतलब लड़की इवेंट कर रही है, बट डजंट मैटर, मतलब आप फीमेल हो, आप इवेंट करो, आप इनफैक्ट कि मैं आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दूं कि मतलब इस टाइम पूरे मतलब पाकिस्तान की सबसे लीडिंग फोटोग्राफर जो इस टाइम है वो फीमेल ही है, तो जो वेडिंग फीमेल फोटोग्राफर है जो लीडिंग लीड कर रही है, वो महा फोटोग्राफी मींस के पूरे पाकिस्तान में जो लीड कर रही है इस टाइम, एज यू नो आप उनका पेज देख सकते हैं, तो वो खुद एक फीमेल है, इनफैक्ट के वो मैरिड फीमेल है, और मींस के मैरिड के लिए तो एक स्टूडेंट से भी ज्यादा डिफिकल्ट काम है करना, तो आप तो फिर अभी मैरिड नहीं है, तो मतलब अभी जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में है तो वो मैरिड नहीं है, तो मतलब अभी उनके लिए तो फिर भी ईजी है जो मैं समझता हूँ आराम से के वो उसमें फोटोग्राफी कर सकते हैं। और बाकी ये कि लोग उन्हें मतलब कोई भी कमेंट पास करें, कुछ भी करें, तो
उसे थोड़ा सा उन्हें मतलब जवाब दे दिया जाए कि इन अ पॉजिटिव वे के मींस के उन्हें उन्हें अपने रिजल्ट से मनवाया जाए। मैं आपको सिर्फ ये चीज कहूंगा, आप इतनी अच्छी फोटोग्राफी करो कि कोई आप पे बात कर ही ना सके, आप इतने क्रिएटिव हो कि कोई आप पे बात कर ही ना सके। जब जब वो देखे ना बात करने से पहले उन्हें पता हो कि मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी वो तो इतनी अच्छी फोटोग्राफी करती है। तो मतलब मेरी फीमेल्स के बारे में भी मतलब जो मैं इवेंट्स पे लेके जाता हूँ जिन फीमेल्स को, तो उनके बारे में जब क्लाइंट कहता था कि यार ये फोटोग्राफी करेगी तो लड़की है, ये तो पिक्चर्स खराब कर देगी, और ये तो ये हमारा इवेंट कैसे करेगी, ये लड़की इससे कैसे होगा इवेंट, ये खड़ी हो सकेगी क्या, ये 5 घंटे इवेंट पे खड़ी हो सकेगी, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। तो मैं उन्हें फिर एक एक जवाब देता था, वो ये जवाब ये होता था कि मतलब मैं उन्हें कहता था आप खड़े हो सामने, ये पिक्चर लेगी आपकी और फिर आपने मुझे अगली बात करनी। तो जब मेरी फीमेल फोटोग्राफर उसकी पिक्चर लेती थी तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता था बोलने के लिए और वो चुप हो जाता था। तो मैं सब फीमेल्स को यही कहूंगा कि वो अपनी क्वालिटी से अपनी अपनी चीज से अपने उसे बताएं कि मतलब हम लोग कर सकते हैं ये, और आप लोग मैक्सिमम अच्छे काम को देखें, नेट पे हर चीज है, ट्यूटोरियल से लेके अच्छे से अच्छा काम देखें। इनफैक्ट कि फीमेल जो फोटोग्राफी कर रही है, जो पाकिस्तान में लीड कर रही है इस टाइम महा फोटोग्राफी, उसका काम देखें कि वो कैसे काम कर रही है। तो मतलब किसी को इंस्पिरेशन बनाएं और उससे इंस्पायर होके आप काम करें, वो भी तो लड़की है तो आप लोग आराम से काम कर सकते हैं, तो लेकिन बशर्ते कि आपका काम अच्छा हो। व्हाट अ गुड आंसर सर, व्हाट अ गुड आंसर, बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छी लाइन थी कि अपने काम से मनवाना चाहिए लोगों को। अच्छा सर, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि अब जैसे फोटोग्राफी तो हम करते हैं तो उसमें एडिटिंग का कितना रोल होता है, 50/50 या 70/30, क्या रोल होता है एडिटिंग का? जबरदस्त क्वेश्चन किया उमेर आपने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लोग मेरे से भी क्वेश्चन करते हैं कि मतलब एडिटिंग का क्या रोल है। भाई अगर बात की जाए पास्ट फोटोग्राफी की तो उसमें एडिटिंग का बहुत रोल होता था। आज से मैं अगर 7-8 साल पहले की बात करूं तो इनफैक्ट के आज भी कुछ स्टूडियो मुल्तान में ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा एडिटिंग करते हैं, 50% की बात कर रहे हैं, वो 90% एडिटिंग करते हैं, बट हम लोग एडिटिंग नहीं करते, हम लोग एडिटिंग 10% करते हैं। 10% भी वो होती है जो कि सिर्फ कलर की कलर सेटिंग होती है, कलर स्कीमिंग होती है, जो कि हमने बैकग्राउंड को और ड्रेस को थोड़ा लेके चलना होता है, अदरवाइज एडिटिंग अब वो रही नहीं। पीपल वांट नेचुरल पिक्चर्स, नॉट एडिटेड पिक्चर्स। अगर एडिट कर दो तो उन्हें इश्यू होता है कि आपने एडिट क्यों किया, आपने हमें गुड्डा क्यों बना दिया, आपने लुक लाइक अ कार्टून। तो मतलब एडिटिंग तो उन्हें चाहिए ही नहीं है, अब एडिटिंग का काम खत्म हो गया। एडिटिंग उस टाइम में होती थी जब कैमरा में ये जो आजकल कैमरा यूज हो रहे हैं, जो कि लो अपर्चर कैमरा यूज हो रहे हैं, जो लो अपर्चर लेंस यूज हो रहे हैं, ये नहीं यूज होते थे। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम स्टूडियो में जाके शूट होता था और उधर कटिंग होती थी, या ब्राइड ग्रूम अपने रूम में जाते थे, रूम में जाके वो फिर उनका शूट होता था, एक छोटी सी अलमारी या किसी बेड के साथ लगा के उन्हें उनका शूट होता था कहीं भी खड़ा करके, क्योंकि बैकग्राउंड चेंज होना होता था। तो बैकग्राउंड चेंज होता था, किसी भी कटिंग में कटिंग होती थी पूरे बैकग्राउंड की, उसमें मैं कह सकता हूँ कि 90% एडिटिंग होती है, बस फोटोग्राफर का काम होता है एक्सपोज करना, देन एडिटर का काम होता है सारा कटिंग करना। बट हमारे काम में ऐसा नहीं है, हमारे काम में एडिटिंग का वो पार्ट नहीं है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम कभी भी बैकग्राउंड चेंज नहीं करते, नबील फोटोग्राफिक मोमेंट्स कभी भी बैकग्राउंड चेंज नहीं करती, और ना हम मतलब पासपोर्ट पिक्चर्स बनाते, ठीक है, हम लोग वेडिंग से काम करते हैं, मतलब हम कभी भी बैकग्राउंड चेंज करते हैं। क्लाइंट हमें कहीं भी बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, हम उसे यही उसे समझाते हैं कि भाई हम जो कैमरा यूज कर रहे हैं ये इसी क्वालिटी वो नहीं रहेगी, मतलब वो बैकग्राउंड का नेचुरल मन खत्म हो जाएगा, देन क्लाइंट अंडरस्टैंड कर लेता है। मैंने अपने 6 साल के करियर में कभी बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, अब वो एडिटिंग का काम हुआ नहीं। मैं एडिटिंग को सिर्फ इतना देखता हूँ कि एक एल्बम में डिजाइनिंग करवा लें, कर ली जाए, और मतलब उसको कोलाज बनाना होता है और ज्यादा से ज्यादा कलर की मिक्सिंग, हमने सिर्फ कलर को मिक्स करना होता है, मींस के लाइक यून रेड टोन को काटना होता है, इस तरह से सिर्फ कलर बैलेंस जिसे कहते हैं, कलर बैलेंस कंट्रोल होता है एडिटिंग में, और एडिटिंग कुछ नहीं रहेगी। और मतलब वी आर द ओनली स्टूडियो इन मुल्तान जिसके मतलब अपने बैकग्राउंड्स हैं, मतलब हमारी अपनी एक लोकेशन है, आउटडोर लोकेशन, जिसके जिसमें तकरीबन आपको तकरीबन 20-25 सेट्स मिलेंगे वहां प्रॉपरली, जो कि मतलब हमने सिर्फ इसलिए बनाए हुए हैं कि बैकग्राउंड चेंज करना ना पड़े, नेचुरल रहे बैकग्राउंड, मतलब हम क्लाइंट को एक ही जगह खड़े होकर डिफरेंट टेस्ट दे सकें, मतलब उसमें कहीं
किले का लुक दिया हुआ है मैंने, कहीं फाउंटेन लगाया हुआ है, कहीं मैंने झूले लगाए हुए हैं, कहीं मैंने हवेली टाइप लुक दिया हुआ है, कहीं मैंने गेट बनाया हुआ है, कहीं मैंने विंटेज लुक दिया हुआ है। तो मतलब इस तरह से मतलब एडिटिंग का रोल खत्म हो गया है, मतलब हम तो बिल्कुल नहीं करते, और बहुत कम रेयर केस में सिर्फ लाइक कलर बैलेंस वगैरह, और हम सारा डेटा इवेंट कैप्चर करते ही क्लाइंट को दे देते हैं फ्लैश में विदाउट एन एडिट। तो मतलब और क्लाइंट उससे भी खुश हो जाता है, क्लाइंट इनफैक्ट मुझे कह रहा होता है कि मतलब कि ये एडिट डेटा तो नहीं है, मतलब उसको इतना पसंद आता है। तो एडिटिंग का रोल अब वो चीज नहीं रही। अपने पूरे आपके स्ट्रगल जो रही है, अपना करियर रहा है, आपने एक इतना एस्टेब्लिश किया, आपको बस बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस काम का, तो आप आज के यंग फोटोग्राफर को क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन बेसिकली सर ये है कि आपकी जो स्ट्रगल है, तो उस स्ट्रगल में आप क्या टिप्स जो है देना चाहते हैं फॉर द न्यू कमर्स या टिकटॉकर्स या जो हमारी न्यू अवाम है जो फोटोग्राफी को फोकस कर रही है, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं कि वो उस चीज से लर्न करें, सीखें? सबसे मेन चीज, सबसे पहले मैं उन्हें कहूंगा कि लाइक उनके पास चाहे एक मोबाइल है या उनके पास एक कैमरा है, सबसे पहले तो अपने आप को उसमें लाइक अगर उन्हें शौक है तो वो कैप्चर करें, एटीसी वो कुछ भी हो, लाइक वो एक पर्सन हो या एक बिल्डिंग हो, वो एक गेट हो या एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो एटलीस्ट उसे कैप्चर करें। जब कैप्चर की जाएगी चीज तभी एक्सपीरियंस आएगा, और अगर उसको लगता है सबसे बड़ी बात, हमारी फील्ड ऐसी फील्ड है जो कि इंटरेस्ट से आती है, जिसका तो इंटरेस्ट होगा वो इस फील्ड में सक्सेसफुल है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जो जबरदस्ती तौर पे कर रहा है काम या किसी के कहने पे कर रहा है, वो इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। पैशन, मेरा पैशन था तो प्रोफेशन बना, तो इस और ये आर्ट है, मतलब ये फोटोग्राफी इज अ आर्ट, तो आर्ट कभी भी मतलब फोर्सफुली नहीं की जाती, वो दिल से की जाती है। तो जब कोई भी पर्सन अपने मोबाइल से पिक्चर लेगा, वो अगर दिल से पिक्चर ली जाएगी तो डेफिनेटली वो अच्छी होगी। ऑल्दो वो शुरू में मेनी टाइम्स पिक्चर लेगा, डिफरेंट एंगल से ले, बैठ के ले, चाहे वो अगर एक गेट को भी कैप्चर कर रहा है, एक पर्सन को भी कैप्चर कर रहा है, बैठ के ले, साइड से ले, रूल ऑफ थर्ड पे ले, कई कई तरीके से पिक्चर ले, उनमें से फिर शॉर्टलिस्ट करे कि दी बेस्ट क्लिक मैंने कौन सा लिया था। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस के साथ साथ उसको वो एक टाइम आएगा कि वो सीख जाएगा। अदरवाइज मतलब हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब आप हमसे सीखे हैं, नहीं तो अदरवाइज उस पे है यूट्यूब पे आप बहुत सारे ट्यूटोरियल देख सकते हो। बिल्कुल मतलब ये चीज है। तो बाकी अगर उसकी बाइंग कैपेसिटी है देन गो फॉर डीएसएलआर, वो डीएसएलआर ले, उस पे डिफरेंट लेंस अटेम्प्ट करे, मींस के उसके पोर्ट्रेट लेंस लगाए, उस पर वाइड एंगल लेंस लगाए और लेंस लगाए, तो मैक्सिमम ट्राई करे, एक ही चीज पे महदूद ना रह जाए, वो मैक्सिमम चेंजिंग करता रहे, मींस कि अगर एक लेंस हो गया है और फोटोग्राफी करने वाला है, वो उसे चाहिए कि वो लेंस नेक्स्ट परचेज करे और देखे कि नेक्स्ट लेंस से क्या हो रहा है, हो सकता है वो फर्स्ट लेंस से मजा ना आ रहा हो बट सेकंड लेंस से मजा आने लग जाए। तो मतलब चेंजिंग ऑफ लेंस, चेंजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स करे, वो डेफिनेटली मजा आएगा उसे और उसे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा। तो ये चीज है बस। सही, इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, इन द लास्ट वेरी लास्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी को एज ए बिजनेस अगर हम एस्टेब्लिश करना चाहें तो क्या स्टेप्स हैं उसको एस्टेब्लिश करने के, स्टेप बाय स्टेप? आपने तो अब तक कर लिया है, आपका तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश है नबील निशात, तो क्या स्टेप्स हैं कि जो अब यंग फोटोग्राफर जो चाहता है कि मैं भी एक एज ए बिजनेस करूँ फोटोग्राफी को, तो क्या स्टेप्स हैं उनको फर्दर बाय फर्दर, कैसे वो अप्रोच करे क्लाइंट्स को, कैसे वो पोर्टफोलियो बनाए, और क्या, क्योंकि गैजेट्स तो उसके पास नहीं होंगे हर टाइम, तो कैसे कहाँ से वो रेंट, कैसे रेंट पे ले या कैसे टीम इकट्ठी करे, तो इसके बारे में जरा आप गाइड कर। क्या नाम है उमेर, फर्स्ट स्टेप तो उसका ये होना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी इंसान साइकिल नहीं चला सकता तो उसके बाद अपनी साइकिल नहीं होगी, साइकिल चलाने के लिए भी अपनी साइकिल होना जरूरी है। तो मतलब मैं भी यही कहूंगा कि फोटोग्राफी के लिए सबसे मेजर चीज उसके लिए उसके पास कैमरा होना चाहिए,
मीन्स के चाहे बिगनर लेवल का कैमरा हो वो इतना कॉस्टली नहीं होता। आजकल हम मोबाइल इतने महंगे महंगे ले लेते हैं, तो रेदर देन मोबाइल के वो बहुत सस्ता है कैमरा, तो बेशक वो बिगनर लेवल का कैमरा ले ले, ऑलमोस्ट 40,000 का वो आ जाता है। 40,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट आज एक यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट के लिए, वो अपनी पॉकेट मनी को भी एक टाइम तक इकट्ठा करे तो वो उसे ले सकता है। तो एटलीस्ट उसके सब फर्स्ट स्टेप तो उसका ये है कि उसके पास अपना कैम होना चाहिए। सेकेंड स्टेप ये है कि उसके पास अपना एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब जो जहां भी उसे मौका मिल रहा है, जहां भी उसका, जहां भी उसको कहीं एज मिल रहा है, यूनिवर्सिटी में है या कहीं भी है, किसी स्ट्रीट में चला जाए, कोई भी कोई इवेंट हो रहा है, 14 अगस्त है, 14 अगस्त पे निकल जाए, कहीं कोई इवेंट हो रहा है उसे कैप्चर कर ले, कोई कुछ भी कहीं भी कोई मूवमेंट हो रही है उसे कैप्चर किया जाए, उसके पास एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस आएगा, उसे पता होगा कैमरे को यूज कैसे करना है। जब कैमरे को यूज करना आ जाएगा, देन वो सेकंड स्टेप पे जाए, वो उसी वो अपने काम को दिखा के कोई कोशिश करे कि कहीं से कोई किसी का इवेंट पेड इवेंट वो ले। जब उसे वो पेड होने लग जाए, जब उसे लगे कि मुझे लोग पे करने के लिए राजी हैं, मुझे लोग पे कर सकते हैं और लोग मतलब लोग मतलब मेरे काम में इतनी वैल्यू है कि लोग मुझे पे कर सकते हैं, देन वो स्टेप बाय स्टेप अपने इक्विपमेंट को बेहतर करे और जो भी वो कमा रहा है उसका एटलीस्ट 70% जो प्रॉफिट है वो अपने इक्विपमेंट को दे, मैक्सिमम इक्विपमेंट दे। मैं आज भी जिस स्टेज पे हूँ, मैं आज भी अपने 70% से ज्यादा अपना जो प्रॉफिट है वो मैं अपने अपने इक्विपमेंट्स को देता हूँ, अपने मैक्सिमम नए से नया लेंस परचेज करता हूँ, नए से नया कैमरा टेक्नोलॉजी पे आता हूँ। तो मेन चीज मैं यही कहूंगा कि वो अपने अपने इक्विपमेंट को बेहतर करे अगर वो उसे पेड किया जा रहा है, और अगर वो भी उसे हो गया है तो देन वो कोई एक ऐसा ऑफिस या ऐसी कोई जगह बनाए या ऐसा कोई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बनाए तो जहां वो उसे कैप्चर कर सके, लाइक अपने क्लाइंट को ग्रैब कर सके, जहां क्लाइंट उसे लाइक कॉन्टेक्ट करे और जिसे क्लाइंट उसे रिलायबल हो कि मीन्स के यहां से ये इसे डील किया जा सकता है और वहां उसे लेके करें उसे। जैसे मैंने स्टूडियो बनाया था विद द पैसेज ऑफ टाइम के मीन्स के मेरे पास स्टूडियो होना चाहिए ताकि क्लाइंट मुझ पे ट्रस्ट रखें और इजीली मुझे अप्रोच कर सके। आपके आंसर से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन राइज हो गया कि अब एक फोटोग्राफर है, उसको उसकी डिमांड है, उसे पता लग गया है कि लोग उसे फोटोग्राफी कराना चाह रहे हैं और अब उसको एक प्रॉब्लम फेस आती है। जैसे मेरी एग्जांपल ले लें, मुझे भी प्रॉब्लम ये फेस आती है कि वो कितना डिमांड करे उनसे कि क्लाइंट भागे भी ना और उसकी भी अपनी भी हमारी भी एक वैल्यू रहे कि पता लगे कि थका हुआ भी नहीं है। और मतलब क्या डिमांडिंग, कैसे प्रोसेस कैसे होना चाहिए, ये क्या कैसे डिमांड करना चाहिए अपने वर्क के मुताबिक, क्लाइंट से क्या पेड जो पेड कर रहे हो कितना डिमांड करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए हर बिजनेस के एक रूल है कि एटलीस्ट अपनी अपने एक्सपेंस को देख के देन चार्ज किया जाए। एक चीज होती है एक्सपेंस और एक चीज होती है गुडविल, जो कि मतलब मैं जिस स्टेज पे हूँ, मतलब मैं चार्जेस इसलिए भी ज्यादा लेता हूँ कि मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, मतलब मेरी गुडविल है, जो मैंने इतना एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है तो मैं उसका चार्ज करता हूँ अपना स्पेशली, कि मतलब मैंने इतने सारे वेडिंग्स के इवेंट्स कर चुका हूँ, मेरा हाथ बहुत पॉलिश है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बट और मैं इसको और बेहतर कर रहा हूँ। तो लेकिन मेन चीज ये है कि वो उसमें चार्ज जब उसने करना हो तो सबसे पहले अपने एक्सपेंस देखे कि लाइक उसके जहां भी इवेंट करने जा रहा है उसके एक्सपेंस क्या क्या आ रहे हैं। लाइक यूजुअली उसे पेट्रोलिंग वगैरह आएगा या उसके साथ पे हेल्पर जा रहा है बॉय, उसका एक्सपेंस काउंट करे। तो उसके बाद जब ये भी हो जाए देन वो उसको चार्ज करने के लिए देखे कि मतलब मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, जहां मेरे जैसा पर्सन किसी चीज की अगर 10,000 ले रहा है तो वहां उस एक बिगिनर लेवल के बंदे को उसके 3,000 ले लेने चाहिए या 4,000 लेने चाहिए। तो एटलीस्ट उसे लेने चाहिए अपनी कि वो सर्विसेज दे रहा है। हमारा काम है सर्विस प्रोवाइडर का, मतलब हमने प्रोडक्ट बाद में देना होता है, पहले सर्विसेज देनी होती हैं। और एक वकील हो या फोटोग्राफर हो या टीचर हो तो वो अपनी सर्विसेज के पैसे लेता है, तो सर्विसेज के बेशक वो कम पैसे पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाए देन वो चार्जेस बढ़ाता रहे, आहिस्ता बढ़ाता रहे, बट शुरू में वो एटलीस्ट पैसे ले, बिल्कुल ले। और वो उस इवेंट पे जज करना चाहिए आपको कि आपने 4 घंटे खड़े होना है, आपने 5 घंटे खड़े होना है या आपने 10 घंटे खड़े होना है। तो अगर 4 घंटे खड़े होना है तो एक
एक आपके पास आपने फिर कैलकुलेट करनी है अमाउंट कि मतलब आपके पास कितना इक्विपमेंट है, मींस कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, मींस कि अगर आपके पास 2 लाख का सामान है, आपने 2 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए ना, इक्विपमेंट लिया हुआ है, तो आप उसके बाद आप एक सर्विस भी दे रहे हैं और आपका एक्सपेंस भी है, देन आपने देखना है कि मतलब मैंने 2 लाख का इक्विपमेंट भी लिया हुआ है, मैं कैमरा भी लेके जा रहा हूँ और मैं मतलब पेट्रोलिंग भी लग रही है और एक हेल्पर बॉय भी है मेरा जिसने मेरे सामान को उठाना है, तो मतलब इस चीजों को कैलकुलेट करके आप उससे चार्ज करोगे अमाउंट कि मैंने कितना चार्ज करना है, तो आप उससे चार्ज कर लें तकरीबन अपनी सर्विस के, अगर आपका एक्सपेंस लाइक 5000 एक्सपेंस आ रहा है तो आप उससे चार्ज कर लें तकरीबन 10,000 चार्ज कर लें, डबल चार्ज कर लें, तो मतलब 5000 एटलीस्ट 5000 या 7000 आपको बचना चाहिए एक इवेंट पे, आप अगर आप सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, या एटलीस्ट 5000 आपको बचना चाहिए क्योंकि आप देखिए ना, आप सर्विस भी दे रहे हैं और आपका इक्विपमेंट भी यूज हो रहा है, मतलब आपका इतना कॉस्टली इक्विपमेंट यूज होता है, हमारे कैमरास बहुत कॉस्टली होते हैं, मतलब हमारे हमारी मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है अपने कैमरास पे, तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि आप अपनी कैलकुलेटेड अमाउंट को आप कैलकुलेट करके देन उसे डिवाइड करके आप अपनी प्राइस डिमांड कर सकते हैं किसी से, और अगर आप उसे कोई प्रिंट फॉर्म में चीज दे रहे हैं, एल्बम या प्रिंट्स वगैरह, देन आप उसको देखें कि उसकी अमाउंट क्या निकलती है, तो फिर उसको भी इंक्लूड कर लें, उसके ऊपर भी स्लाइटली सा मार्जिन रखे, उसको भी चार्ज किया जाए। एक चीज आपको 10 रुपए की पड़ रही है, कहीं से प्रिंट एक 10 रुपए का पड़ रहा है, तो आप आगे क्लाइंट से 13 या 14 रुपए चार्ज करो, आपको पर प्रिंट इतना बचना चाहिए क्योंकि बिकॉज आप उसको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप एक एक जगह से प्रिंट करवा के देन उसको दे रहे हो, तो मीन्स कि आपको अपना वो रखना चाहिए एटलीस्ट, चाहे आप बिगिनर लेवल पे भी हो, बट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने आपके पास कैमरा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने प्रैक्टिस की है इतनी, तो उसका आपको चार्ज करना आपका हक है। सही, चार्ज करना चाहिए, यानी आप खुद भी आपको कुछ आ रहा है तो उससे आप खुद भी मोटिवेट होंगे कि मुझे कुछ बचत हो रही है, तो आप अपना काम मजीद अच्छा बनाते रहेंगे, आप मेरे चार्ज करेंगे तो आप नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज तो आप वहीं स्टॉक हो जाएंगे, अगर आप ब्रेक इवन पे रहेंगे तो आप ब्रेक इवन पे तो आपको अगर आप कहेंगे बस ठीक है मेरा वो पूरा होना चाहिए, मैं मतलब ब्रेक इवन पे ही रहूं, मैं बस ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, बस ब्रेक इवन पे रहूं, देन तो आप चीजों को आगे लेके नहीं चल सकते, आपको आप प्रॉफिट करोगे तो आपका दिल भी करेगा काम करने को, आपको पता लगेगा कि मतलब मुझे कुछ बच रहा है तो मैं काम करूँ ना, अदरवाइज आप अपना अपना इतना सारा टाइम क्यों दे रहे हो आप उस काम पे, आपको बचना चाहिए और मतलब ये बहुत जरूरी है, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होगा तो आपका काम का भी दिल करेगा और आप नए से नया इक्विपमेंट खरीदोगे, देन आप और मोटिवेट होगे और आपको नई चीजों से खेलने का टाइम मिलेगा, आप लेंजेस नए परचेज करो, नए कैमरास लो, देन आपको और मजा आएगा काम करने का। बिल्कुल सर। अच्छा, हमारी एक स्टूडेंट है मिराल अजीज, तो उनका क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ इज योर फेवरेट लेंस, आपके लेंस कौन से सबसे ज्यादा फेवरेट है एंड व्हाई? अच्छा, गुड टॉपिक, बल्कि मजे की बात बताई आपने, ये लेंस कौन सा फेवरेट है? लेंस ना डिपेंड करता है कि आप ले क्या रहे हो, मींस कि सबसे मेजर चीज ये है कि आप कैप्चर क्या कर रहे हो, अगर आप एक बिल्डिंग कर रहे हो, एक ग्रुप कर रहे हो कैप्चर, या एक पोर्ट्रेट कर रहे हो, मतलब अगर आप एक पर्सन को कवर कर रहे हो या ग्रुप ऑफ पर्सन को कवर कर रहे हो, या आप एक बिल्डिंग कैप्चर कर रहे हो या एक एनिमल कैप्चर कर रहे हो, या आप जस्ट रोड कैप्चर कर रहे हो, लैंडस्केपिंग जिसे कहते हैं, देखिए हर चीज का ना एक पर्पज है, मीन्स के मैं यूजली शूट करता हूँ, तो मतलब ब्राइडल शूट मेरा ज्यादा काम है, तो मैं इवेंट पे कम खड़ा होता हूँ, मैं ज्यादातर शूट्स करता हूँ, तो शूट्स जब मैं कर रहा होता हूँ तो मेरा मोस्ट फेवरेट लेंस है 105mm सिग्मा आर्ट 1.4 स्टिल, तो मैं अगेन नेम रिपीट कर देता हूँ, सिग्मा 105 सीरीज आर्ट और 1.4, ये लेंस तकरीबन मतलब न्यू मिल जाता है तकरीबन 2.5 लाख के अराउंड है, ये 2,50,000 अराउंड ये लेंस है और इसका वेट काफी ज्यादा है, तो इनफैक्ट कहाँ है वली उसे तो वो लेंस आप ले सकते हो, और ये लेंस भी बहुत अच्छा है, इससे बड़ा है 105 जो ये लेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इससे भी बड़ा है, ये है 85mm 1.4 है ये, वो इससे भी काफी ह्यूज है और बड़ा लेंस है, जो मेरा फेवरेट मोस्ट फेवरेट लेंस है, उसे 105 कहते हैं, इसकी लेंथ इसके ऊपर लिखी होती है, मेंशन की होती है, ये 85mm लिखा हुआ है इसके ऊपर, और जो मेरा मोस्ट फेवरेट लेंस है वो 105 है 1.4, क्योंकि
उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छी है, उसकी कलर इनहेंस बहुत अच्छे हैं, उसका फोकस बहुत फास्ट है, इट्स वेरी गुड लेंस, तो मैं वो यूज करता हूँ, बट नॉट स्टक ऑन दिस लेंस, मैं चेंज करता रहता हूँ, मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है मैं उस हिसाब से लेंस चेंज करता हूँ। अगर तो मुझे सिर्फ ब्राइड की पिक्चर्स लेनी है, कपल की पिक्चर्स लेनी है, देन तो मैं 105 लगाऊंगा, बट समटाइम्स मेरे पास अगर डिस्टेंस कम हो जाता है तब देन मुझे 50 mm भी लगाना पड़ता है, देन मुझे 35 mm भी लगाना पड़ता है, देन मुझे कभी कभी वाइड एंगल भी लगाना पड़ता है। दिस इज अ लेंस ऑफ 14 mm, मीन्स के 14 mm का लेंस है ये लेंस अब किसी पर्सन की पिक्चर बनाने के लिए नहीं है, ये लेंस स्पेशली यूज होता है कि लाइक अगर कोई स्टेज पे बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है, या बहुत बड़ा डेकोर हुआ हुआ है, डेकोर बहुत प्यारा हुआ हुआ है, और या आपका आप कह लें कि बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग है, तो इस तरह के पर्पस के लिए वाइड एंगल लेंस यूज होता है। तो हर जगह पे डिपेंड करता है कि किस जगह के लिए कौन सा लेंस यूज होता है। तो आप कभी भी किसी भी मशवरे के लिए आप मेरे पेज पे या मेरे स्टूडियो में आके आप पूछ सकते हैं कि मतलब कौन सा लेंस यूज किया जाए, किस पर्पस के लिए, आई विल गाइड यू प्रॉपरली। तो मैं इसका मतलब कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, मैं प्रॉपरली आपको इस बारे में गाइड करूंगा कि कौन सा लेंस किस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। और जब मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सबके साथ शेयर करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आईएसपी की दोनों कन्वोकेशंस को ऑफिशियली कवर किया है, जो कि रिस्पांसिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साकिब डायरेक्टर जनरल साकिब नजीर साहब ने दी थी मुझे, और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एतमाद किया, ये जो कि मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मतलब वो मेरे लिए ऑनर की बात है। मुझे उस टाइम नहीं पता कि मतलब मुझे पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, बट मेरे लिए एक ऑनर की बात थी कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कन्वोकेशन जो है वो मैं खुद कैप्चर कर रहा हूँ, वो मेरे अंडर है। तो उसको प्रॉपरली साकिब नजीर साहब ने मेरे हैंड ओवर किया था कि मतलब नबील जैसे तुम्हारा दिल करे कि मतलब जैसे कैप्चर करना चाहते हो करो, और उन्होंने मतलब मुझे प्रॉपरली टाइम भी दिया और मैंने उसको परफॉर्म किया। और फर्स्ट कन्वोकेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड कन्वोकेशन भी मैंने ही कवर की, तो ऑफिशियली उसके अलावा मेरे अलावा सिर्फ प्रेस के फोटोग्राफर्स थे, और अदरवाइज ऑफिशियली फोटोग्राफी आईएसपी की तरफ से मैंने ही की थी। तो पहली कन्वोकेशन इतनी अच्छी थी तो मैं सेकंड कन्वोकेशन में मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बट कन्वोकेशन पे अब देखें कि तकरीबन 3 लेंस यूज हो रहे थे, जिसमें से एक लेंस यूज हो रहा था सिर्फ जो कि जब गिफ्ट दिया जा रहा था, जब डिग्री दी जा रही थी, जबकि एक लेंस यूज हो रहा था जो कि जिस पर्सन को डिग्री दी जा रही है उसके उसके क्लोजअप था, जबकि एक लेंस यूज हो रहा था जो कि वाइड रेंज में था, जो कि बहुत बड़े ग्रुप को कैप्चर कर रहा था, जो कि पूरे स्टेज के साथ कैप्चर कर रहा था। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैप्चर क्या कर रहे हो, लेंस उस पर डिपेंड करता है। जब पूरी कन्वोकेशन के बाद एक बहुत बड़ा ग्रुप बना जिसमें कि बिल्डिंग के आगे जब खड़े हुए तो वो भी छोटी पड़ गई थी, तो जब वो ग्रुप बनने लगा तो उस टाइम मैंने ये वाला लेंस यूज किया था, इट्स 14 mm, इट्स सो वाइड, मतलब ये बहुत वाइड एंगल लेंस है, बहुत वाइड एंगल लेंस। तो ये मतलब जितना आपकी आंख देख सकती है उससे थोड़ा सा बस कन साइज देख सकता होगा, मतलब ये बहुत बड़ा वाइड दिखाता है आपको, तो बड़े ग्रुप के लिए आपको ये यूज किया जाता है। और ये जी आ गया जी 105, दिस इज अ 105, दिस इज माय फेवरेट लेंस स्टिल। और इसके अलावा मेरे पास टेलीज भी हैं जो कि इससे भी बड़ी हैं, बट लेंस का साइज डिपेंड नहीं करता, मेजर डिपेंड करता है लेंस का अपर्चर, जो इस लेंस के हर लेंस के ऊपर ऊपर लिखा होता है f-point, दिस इज अ मेजर थिंग जो कि उसकी कॉस्ट को और उसकी क्वालिटी को मैटर करती है। इसी एक एफ पॉइंट की वजह से लेंस की कॉस्ट मैटर करती है, और इसी एफ पॉइंट की वजह से लेंस की क्वालिटी मैटर करती है, और इसी एफ पॉइंट की वजह से पिक्चर ब्लर होती है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं जरूर दूंगा, एंड जिसने भी पूछा था दिस इज माई फेवरेट लेंस, इट्स 105 सिग्मा। ओके सर, ग्रेट। अच्छा, अगर हम इन कैमरा से हट जाएं, बड़े बड़े लेंसेज से हट जाएं, इतने महंगे महंगे कैमरा से हट के अगर हम मोबाइल फोटोग्राफी पे आ जाएं, जो सबको सबके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि अब हम सबके पास मोबाइल है और सब अच्छी पिक्चर्स लेना चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर मेरी अच्छी पिक्चर्स हो, आज बड़ा वो ट्रेंड चला हुआ है, तो क्या टिप्स होंगे कि मोबाइल से अच्छी पिक्चर्स ली जाएं, सब कुछ लो एंगल हाई एंगल क्या टिप्स होंगी ऐसी कि मोबाइल से सब अच्छी फोटोग्राफी कर लें, क्योंकि मैं तो करता हूं, मुझे तो पता है, लेकिन आप अगर अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयर करें तो मुझे और भी हेल्प होगी और जो देख रहे हैं उनको भी बहुत हेल्प होगी। मोबाइल में बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो रही है, मींस के
अब आईफोन का या आप S8 वगैरह जो या नोट 10 वगैरह जो मोबाइल्स हैं, इनमें बहुत अच्छी कैमरा यूज हो रही है। स्पेशली मैं खुद आईफोन यूजर हूँ, तो मीन्स के मुझे आईफोन का कैमरा बहुत पसंद है। और इनफैक्ट कि मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं जब नॉर्दर्न एरियाज में जाता हूँ, देन मैं इंजॉय करने के लिए मैं अपने साथ DSLR कैमरा नहीं रखता, बिकॉज मुझे लगेज बहुत ज्यादा हो जाता है और मुझे हाइकिंग वगैरह करनी होती है। देन मैं खुद पर्सनली मैं मोबाइल फोटोग्राफी करता हूँ, तो मीन्स के मैं मोबाइल से लेता हूँ। और मैं मोबाइल से वो DSLR वाली सेटिस्फेक्शन तो नहीं होती, बट मैं सेटिस्फाई होता हूँ उसके रिजल्ट से। तो आईफोन से बड़े आप आराम से एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो उसमें मतलब आप ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं, और प्लस आप उसमें फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है उसके। इनफैक्ट मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि जो मोबाइल से पिक्चर बनाई होती है और मैं उनकी मतलब प्रिंट आउट निकाल रहा होता हूँ, तो बहुत अच्छे प्रिंट क्वालिटी में होते हैं। ऑल्दो मोबाइल में उस तरह की लाइट नहीं होती जो के मींस के DSLR में लाइट यूज होती है, एक छोटी सी लाइट लगी होती है। तो नाइट फोटोग्राफी तो आईफोन से बड़ा, आईफोन या किसी भी मोबाइल फोन से मुश्किल हो जाती है। बट आप डे लाइट में आराम से फोटोग्राफी बिगिनर लेवल पे कर सकते हो, थोड़ी बहुत आप अच्छा रिजल्ट ही मिलता है आपको। फर्दर आप देखेंगे ना, तो उसमें ऑप्शन आया हुआ होता है कि लाइक एडिटिंग का, एडिट का ऑप्शन आया हुआ होता है, तो उसमें आप देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा ब्राइटनेस, सेचुरेशन, वाइब्रेंस और एक्सपोजर। तो आप ये चीजें कंट्रोल करके, एडिट करके बड़ी अच्छी पिक्चर आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो मतलब मैं खुद फोन फोटोग्राफी बड़े आराम से कर लेता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है इस चीज में। तो और बाकी सकते हैं, बात की मैं गारंटी नहीं देता। अगर आपकी कहीं तो लाइट होती है और कहीं लाइट नहीं होती, फिर बाद में आप लोग कहो, नबील ने कहा था कि फोटोग्राफी रात को भी हो सकती है, तो मैं उस बारे में नहीं कह सकता। समटाइम्स किसी किसी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी लाइट होती है, तो आप रात की फोटोग्राफी फोन की वहां भी अच्छी हो जाती है। बट डे में आउटडोर में आप ग्रीनरी लॉन में आप फोन से फोटोग्राफी आप कर सकते हो और वो अच्छी हो सकती है। अब तो फोन में आपके पास कैमरा, पॉकेट कैमरा भी होता है, तो जिससे आपके पास पिक्चर ले सकते हो, आराम से सकते हो। फिलहाल जिनके पास DSLR नहीं है, DSLR नहीं है। सर थैंक यू सो मच सर, आपके आज सेशन था बहुत अच्छा सेशन था, आपने बहुत अच्छी बातें की। क्योंकि हमारा जो है टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो हम इस सेशन को यहाँ क्लोज करते हैं। और इट वाज ऑनर फॉर अस टू होस्ट यू, बहुत मजा आया और बहुत मोटिवेटिव एक सेशन था। आपने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा, व्यूवर्स को बहुत अच्छा गाइड किया है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ISP, आपने सिर्फ अपना नाम रोशन नहीं किया, आपने ISP का नाम भी रोशन किया है, अपने साथ साथ अपने ISP का नाम भी थैंक बहुत रोशन किया है। वे आर ISP, वे आर एक्सेप्शनल। सर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो यू मच, स्टे सेफ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो ग्रेट टू हैव यू सर। सर।